गाइस, अगर आप MBA विद फाउंडेशन UCW में अगर करने जा रहे हो, आपकी फाउंडेशन क्लासेस हैं या आपको फाउंडेशन के बारे में रियल एक्सपीरियंस जानना है फ्रॉम द स्टूडेंट, तो इस वीडियो को आप देखो। जो एक्चुअल रियलिटी है, जो एक्चुअल सिनेरियो है गेम का, वो आपको इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा बेटर समझ आएगा एंड यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ बेटर। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल दी एंड। और वही लोगों को मैं प्रमोट करूँगा ये वीडियो देखने के लिए जो एक्चुअली में फाउंडेशन करने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को ये वीडियो ज्यादा रेलेवेंट लगेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही? नहीं, ठीक ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वेलकम अनोनिमस एंड थैंक यू सो थैंक मच, यू थैंक मयंक, थैंक यू यू फॉर मयंक। ज्वाइनिंग। यार ऐसा है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इनका हम पर्सनल आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि शी इज वर्किंग इन अ कंपनी एंड शी इज स्टडिंग फ्रॉम इंडिया राइट नाउ, सो शी डोंट वॉन्ट हर नेम टू बी आउट। तो शी इज वन ऑफ माई क्लासमेट। हम लोगों ने साथ में दो सब्जेक्ट्स लगाए थे अभी सेकेंड टर्म में। तो वेन द टर्म वॉज एंडिंग, आई गॉट टू नो शी हैज डन फाउंडेशन एंड वी बोथ गुड फ्रेंड्स। तो आई आस्क्ड हर कि वाई डोंट यू गिव अ इंटरव्यू रिगार्डिंग फाउंडेशन ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो शी अग्रीड एंड हेयर कम्स द वीडियो। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन के लिए अभी जैसे सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा काफी टाइम से मन था कि मैं फाउंडेशन के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन कोई ऐसा मुझे मिल नहीं रहा था बंदा जिससे मैं बैठ के अच्छे से ऐसे बात कर सकूं। सिंस वी आर वेरी कंफर्टेबल विद टॉकिंग, तो आज हम इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो उनको मैं आपके ऊपर एक एक करके पूछूंगा एंड आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब चिल होके, ऐसी ऐसी कोई वो नहीं है कि मतलब हम इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई फॉर्मल ऐसे कोई पूछ रहा है आपसे, जैसे आपको मतलब आप किसी फ्रेंड को बताते। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दो बेसिक क्वेश्चन है, वो ये है कि यार हु गेट्स फाउंडेशन एंड हु कैन वेव इट ऑफ। आई थिंक दोज पीपल हु डोंट बिलोंग टू बिजनेस सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट दे डू फाउंडेशन कोर्स एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम सम ऑफ माय फ्रेंड्स दैट दोज पीपल हुज जीपीए According to Canadian or American universities, they are less than three. So those people they are also doing MBA F or foundation course in University Canada West. तो यही वेबसाइट पे, और जितना मेरे को अभी तक समझ आया है कि जो बंदे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं या फिर जो कॉमर्स से भी होते हैं और जिनके परसेंटेज कम होती है, तो उन लोगों को फाउंडेशन कोर्स ऐसा मतलब बेसिक प्री एमबीए कोर्स ये लोग देते हैं। तो यू आर फ्रॉम विच बैकग्राउंड? आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड आई एम अ डॉक्टर ओके, तो आपको तो फाउंडेशन करना ही पड़ा होगा। तो वेविंग ऑफ के बारे में मेरे को जितना पता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब वेव ऑफ वो लोग करवा सकते हैं जिन लोगों के पास प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसा कोर्स करा हुआ है जो डायरेक्टली बिजनेस बैकग्राउंड का नहीं है, बट आपके पास मैनेजरियल लेवल का वर्क एक्सपीरियंस है। तो मैंने देखा है लोगों को कि इसको वेव ऑफ भी वो करवा लेते हैं। तो आपको पता है इसके बारे में, मतलब आपने इसकी कोशिश करी आई डोंट कभी? हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस No, I don't have any idea regarding this. ओके, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी, मतलब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब फाउंडेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर्स स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो इस पे आप कुछ भी बोलने से पहले मैं एक अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है जिसमें इस फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के वो नाम लिखे हुए हैं, अपने को इजी हो जाएगा एक्सप्लेन करना। तो दीज आर दी कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज हाँ, ट्रू है ना। या देयर आर थ्री कोर्सेज या बिजनेस एंड एकेडमिक राइटिंग क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस एंड थर्ड वन बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव तो तीन टोटल तीन ही सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर किसी को फाउंडेशन में करने पड़ते हैं, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल तीन है ही ना। सब्जेक्ट्स हैं जो सबको करने हैं तो क्या आप मतलब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं कि मतलब पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल एकेडमिक जी राइटिंग में? First, I'll talk about business and academic writing. This subject is the foundation. कोई subject है business and academic writing. उसमें हम जो ये university वाले लोग हैं ये concentrate करते हैं resume और CV और cover letter कैसे लिखते हैं ओके, Canadian style में. Second, जो ये लोग introduce करना चाहते हैं वो students को introduce करना चाहते हैं concept प्रपोजल राइटिंग का प्रपोजल हाउ टू राइट ए बिजनेस प्रपोजल. अच्छा सो मेरे अकॉर्डिंग यही दो इनके टारगेट्स थे या आप कह सकते हो दो ही कॉम्पिटेंसीज हैं
जो इनको अचीव करनी है. फर्स्ट वन इज सीवी राइटिंग एज वेल एज कवर लेटर राइटिंग. सेकंड इज हाउ टू राइट अ बिजनेस प्रपोजल. तो आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस था, मतलब आपको कैसा लगा, मतलब ये सब्जेक्ट इजी लगा, कोप अप आपने इजीली कर लिया? मुझे सब्जेक्ट इजी लगा था, मुझे ये सब्जेक्ट इजी लगा था. जैसे मैंने को सीवी राइटिंग वाज ओके, कवर लेटर वाज ओके, जैसे मैं पहले भी लिख चुकी थी तो इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब हो गया. हाँ, प्रपोजल राइटिंग जो था दैट वाज टफ. Okay. उसके बाद दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो मुझे हम लोगों को लाइक इंडियन स्टूडेंट्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एज अ टीम वर्क. वी हैव टू वर्क एज टीम वर्क. इट वॉज द फर्स्ट टाइम. सो वहां पे जाके क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम टीम में काम करते हो तो कुछ लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, राइट, डिफरेंट माइंड सेट. तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो भी गए थे. अच्छा, ओके. या वो हो भी गए थे. मुश्किल ये है कि इस सब्जेक्ट में थोड़ा टफ इसलिए लगा कि प्रपोजल राइटिंग में जाके जैसे टीम वर्क में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट स्टूडेंट्स में हो गए थे. ओके, ठीक है, समझ गया. मतलब बेसिक जो प्रोफेशनल राइटिंग होती है, कॉर्पोरेट राइटिंग होती है, उसके बारे में ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहा था. ठीक है, अब अपने बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस. इसमें क्या था मोटा मोटा आइडिया? इसमें ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे आईटी सेक्टर से जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत इजी था. उन्होंने सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कराए थे, आर सॉफ्टवेयर. देन उसके बाद ये कराते हैं बॉक्स प्लॉट, हाउ टू क्रिएट बॉक्स प्लॉट, व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग. अच्छा, या ये तीन चार चीजें मतलब जिसपे ये स्ट्रेस करते हैं. अच्छा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा फाउंडेशन में इसको इन चीजों को डालने का क्या मतलब. तो मतलब इसका कोई डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन था आपके, मतलब कुछ आपको बेनिफिशियल लगा ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग? हाँ, जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट हमने बात करी बिजनेस एकेडमिक राइटिंग, तो उसमें आप सीवी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट कि सीवी कैनेडियन स्टाइल में कैसे लिखना है, तो दैट वॉज रिक्वायर्ड. इवन कवर लेटर भी चाहिए. फर्स्ट सब्जेक्ट का तो मेरे को समझ आ रहा है कि हाँ, आपने को पता होना चाहिए. ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले का मतलब कुछ ज्यादा मेरे को समझ नहीं लगा वैसे. आप बताओ. क्वांटिटेटिव रीजनिंग में इन्होंने लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा इंट्रोड्यूस करा, बॉक्स प्लॉट करा. मतलब ये चाहते थे कि हम लोग अपना जैसे डेटा है उसको प्रेजेंट कैसे करें. अच्छा, फर्स्ट इज द एनालिसिस एंड सेकेंड पार्ट इज द प्रेजेंटेशन. वेरी सिमिलर टू दैट डेटा एनालिसिस सब्जेक्ट. अच्छा, मतलब अगर किसी बंदे को मतलब बहुत ज्यादा पहले से एक्सपीरियंस ना हो, मतलब इसने पहली बार ये टर्म सुने हो, तो हाउ डिफिकल्ट उसके लिए, कितना मुश्किल? इट वाज वेरी डिफिकल्ट. लाइक जैसे मैं मेडिकल बैकग्राउंड से थी तो मेरे साथ जो मेरे बैच में और लोग थे जो आईटी से थे उनके लिए बहुत इजी था ये. अच्छा, मे बी उन्होंने करा होगा, है ना. पर जैसे मेरे लिए ये नया था तो मुझे डिफिकल्ट लगा था. अच्छा, जैसे अभी मैंने स्टैटिस्टिक्स अभी करा अपने सेकंड टर्म में, तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत दिक्कत आई क्योंकि मैंने कभी पहले करी नहीं थी. लेकिन जैसे धीरे धीरे मेरे को चीजें थोड़ी सी समझ आने लगी तो फिर उसमें मजा आने लगा था. हाँ. तो आपके साथ भी स्टैटिस्टिक्स? नहीं, हम मेडिकल में स्टैटिस्टिक्स तो हम पढ़ते हैं तो मुझे वो मुश्किल नहीं लगा था. डेफिनेटली जो सब्जेक्ट आपने जिसका बेसिक्स करा हुआ है या बैचलर्स करी है वो आपको मुश्किल कभी भी नहीं लगता. बट मेरे लिए ये मुश्किल इसलिए था क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है ये. मतलब मैंने एवीसी भी नहीं करा है कॉमर्स या बिजनेस बैकग्राउंड में, एंड आई एम डायरेक्टली डूइंग एमबीए और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो इट वाज डिफिकल्ट. आपने अभी बताया भी था, मतलब आप हमारी जब कन्वर्सेशन हो रही थी तो आपने बताया भी था कि यार हम सीधा मतलब मास्टर्स कर रहे हैं, वो भी एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मतलब इट विल बी टफ. यस, इट विल बी टफ. एंड मोर ओवर एक्सपेक्टेशंस जो प्रोफेसर्स की रहती हैं मास्टर्स में वो हमेशा ज्यादा ही रहती हैं. राइट. ठीक है, हम ब्रीफली अब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, फिर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा. ठीक है. बिजनेस इकोनॉमिक्स में उसमें एक तो ये पेपर राइटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, दैट वाज इजी. मतलब इसमें डिफिकल्ट नहीं है. और जो बाकी असाइनमेंट्स थी वो थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि जो मुझे लगा मुश्किल वो था प्लेजरिज्म इसमें. आई यूज टू कॉपी पेस्ट, सो उसमें मेरे मार्क्स काफी कट गए थे. सो डोंट नेवर एवर ट्रैवल ट्राई कि आप ऐसे करो कि आप प्लेजरिज्म के लिए मतलब आप कॉपी पेस्ट करो, ये तो कभी भी मत करना यहाँ पे यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में. आई रिकमेंड
हमेशा अपने लैंग्वेज में लिखो, पहले समझ लो उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिखो। अच्छा उसके बाद मैं आपको अपना बताता हूँ, जैसे जब मेरा फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, तो जब तक मुझे इसका सिस्टम पता नहीं था कि हाँ यूनिवर्सिटी में चीजें होती है एक्चुअली किस तरीके से, किस तरीके से हमें लिखना होता है, मतलब ये चीज समझने में कि व्हाट एक्चुअली यूनिवर्सिटी वांट्स फ्रॉम यू, तब तक काफी दिक्कतें आई। लेकिन द मोमेंट आई अंडरस्टूड कि यार यहाँ पे किस तरीके से चीजें काम करती हैं, जैसे कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा जैसे आपने बताया, तो फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, रेफरेंसिंग कैसे करनी है ना, तो एपीआई स्टाइल, हाँ तो वो चीजें सिखाते हैं इसमें ये लोग, सब बताते हैं। वो जो एपीएस स्टाइल है वो बिजनेस अकेडमिक राइटिंग में सिखाया था उन्होंने हमें, अदरवाइज इन्होंने ना एक वो कराई थी हमें वर्कशॉप्स एपीए राइटिंग में पहले, तो उसमें पता चल गया था थोड़ा सा कि कैसे लिखना है, फॉर्मेटिंग एंड एपीएस स्टाइल तो वहां से पता चल गया था। आप प्लेजरिज्म जब मार्क्स कट हुए थे तब पता चल गया था हाथ जलवा के आने से बहुत अच्छे से पता चल गया अब नहीं बोलोगे। अच्छा इससे रिलेटेड मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन ये पूछूंगा कि अगर कोई बंदा, मतलब जिसको नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है और मतलब पहली बार इस फील्ड में घुस रहा है वो, और पूरे सच्चे मन से अपने वो करे, ध्यान दे अच्छे से सारी चीजें, मतलब होमवर्क भी करे, अपनी सेल्फ स्टडी भी करे, तो करा जा सकता है? हाउ इजी इट इज, हाउ डिफिकल्ट? डेफिनेटली अगर पूरा आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, अच्छे से पढ़ते हो तो कर सकते हो, मुश्किल भी नहीं है। पर मैं जैसे पढ़ भी रही थी और मैं अपना काम भी कर रही थी साथ साथ, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। मैं दो चीज इकट्ठे कर रही थी, और सेकेंडली अगर मैं आपका बिजनेस बैकग्राउंड है फिर तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर आप दूसरी बैकग्राउंड है जैसे दूसरे फील्ड से हो, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा एफर्ट तो चाहिए ही है। सही बात है, बिल्कुल आई एग्री टू यू 100%। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने पासिंग परसेंटेज रही होती है आपको, ओवरऑल पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं इसमें? 72% पर सब्जेक्ट या फिर ओवरऑल? ओवरऑल 72%। मतलब अगर आपके एक सब्जेक्ट में सपोज 70 है, बाकी में ज्यादा है, तो वो एक दूसरे से कॉम्पनसेट हो जाएगा। ओवरऑल आपके 72 होने चाहिए और पर सब्जेक्ट में आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए विच इज 65 से ऊपर। मैं आपको, आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो ना? 60। हाँ देखो मैंने ये भी डाउनलोड कर रखा है ग्रेडिंग सिस्टम अपने यहाँ का यूनिवर्सिटी का, ठीक है ये देखो, ये 60 से 67 इज पास। मतलब अगर आप 67 से ऊपर हैं आपके और ओवरऑल आपके 72 से ऊपर बन रहे हैं, तो यू वोंट बी कंसिडर्ड फेल, राइट? ठीक है, तो अगर अगर कोई बंदा फेल हो जाता है फॉर एग्जांपल किसी एक सब्जेक्ट में, तो उसका उसके संग क्या होता है, क्या करा जाता है, क्या सलूक होता है उसके साथ? उसके साथ बहुत बुरा सलूक उसका मतलब रिपीट करना पड़ता है सब्जेक्ट, मतलब फीस तीनों सब्जेक्ट्स की देनी पड़ती है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की देनी होती है? नहीं, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तीनों सब्जेक्ट्स की नहीं देनी पड़ती है। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जिसमें वो फेल हो रहा है तो वो उसकी फीस वो सेकंड टाइम देनी पड़ेगी उसको। ओके ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था जो आपने, इसका आप आंसर आपने सिंपल एंड शॉर्ट कंसाइज में दे दिया, थैंक यू सो मच। मैं अंका बहुत खुश हूँ। ठीक है यार, इसमें ऐसा लग रहा है मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब मुझे आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ यार कि फाउंडेशन में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब क्या क्या चैलेंजेस आए आपको, आप मेडिकल फील्ड से हो, पर्सनली आपको क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या आपके रिकमेंडेशन रहेगा फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए? फाउंडेशन कोर्स मुझे एमबीए से ज्यादा टफ लगा। अच्छा, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम, मतलब आपको पता नहीं है कि असाइनमेंट्स कैसे करनी है, कहाँ पोस्ट हो रही है, क्या कर रहे हैं। मतलब मुझे ये मुश्किल आई कि शायद मैं ही चेक नहीं कर पाती थी, वो निकल जाती थी, फिर मुझे पता चलता था ये असाइनमेंट ड्यू थी और इसका टाइम निकल गया, और फिर मैं मेल करती थी मतलब प्रोफेसर को, मेरी मैंने कर ली, अब तुम इसको रिकंसीडर कर लो। थोड़ा मतलब लैकिंग बिहाइंड सीन होता है, थोड़ा कोप अप करने में। हाँ मुझे लैक बिहाइंड था क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। पर हाँ, वंस आपको सब समझ आ जाता है कि कहाँ पे असाइनमेंट्स आ रही हैं, कैसे ट्रैक करना है, फिर उसके बाद मुश्किल नहीं लगता है। और जैसे मुझे लगता है कि शायद यूनिवर्सिटी वालों ने सोच के ही ये कोर्स रखा है कि आप एक बार ट्रैक पे आ जाओ कि कैसे करना है, तो आपके लिए फिर एमबीए इजी हो जाता है।
मतलब आपको फाउंडेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, एमबीए कंपैरेटिवली आपको थोड़ा कम लगा कि आपको जितनी मेहनत, ओके हाँ जितनी मेहनत मुझे फाउंडेशन में करनी पड़ी है उससे कम में भी शायद वो मुझे वो एपीए स्टाइल उसमें आ गया, काम करना आ गया। फिर जैसे आपको डेडलाइंस पता चलनी शुरू होगी, फिर आपको मार्क्स कट रहे हैं, आपको समझ आ गया कि भी आप नहीं असाइनमेंट्स करोगे तो आप कितने तरफ मार्क्स कट जाएंगे। ठीक ओके ठीक है, मतलब आपका समझ गया मैं पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी ठीक है यार, थैंक यू सो मच अनोनिमस जी यहाँ पे आने के लिए, बात करने के लिए। मेरा काफी मन था आपको मतलब पर्सनली इंट्रोड्यूस कराऊं। गाइस आई वोंट टेल हर नेम और एनीथिंग एल्स, बट शी इज अ वेरी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, शी इज वर्किंग इन अ मेडिकल फील्ड एंड शी इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अनोनिमस, सी यू लेटर। ओके बाय 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 बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।